नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल मैप के न्यू फीचर्स के बारे में। रिसेंटली ही गूगल आयो 2018 का जो समिट हुआ था, वहां गूगल मैप में कुछ न्यू फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो इस ईयर के एंड तक शायद हो सकता है कि ये रिलीज़ करें। तो आज हम गूगल मैप के न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूँ, क्योंकि वो टर्म इस वीडियो के अंदर यूज़ होने वाली है, जिसका नाम है VPS टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं। गूगल मैप के न्यू फीचर के अंदर इन्होंने काफ़ी ही कमाल के फीचर ऐड किए हैं। अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको जो है पता करना है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में आपको किस फ्लोर के ऊपर जाना है या कहाँ जाना है, तो अभी तक गूगल मैप के अंदर इस तरह के फीचर अवेलेबल नहीं है। ये आपको GPS का इस्तेमाल करके आपकी सिर्फ करंट लोकेशन ही दे सकता है, लेकिन उन्होंने रिसेंटली इंडोर पोजिशनिंग सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत ये आपको बताएगा कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो पर्टिकुलरली है कहाँ पे। गूगल मैप में अभी तक सिर्फ मैप का इस्तेमाल होता था, लेकिन गूगल मैप के अंदर जो आने वाले फीचर हैं उनके अंदर ये जो है आपके जो फ़ोन का कैमरा है उसका इस्तेमाल भी करने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है गूगल के अंदर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि हमें किस वे में जाना है, तो उस केस में कैमरा का इस्तेमाल करके ये आपको पर्टिकुलरली गाइड करेगा लेफ्ट या राइट एरोज के थ्रू कि आपको जो है लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है। साथ ही में फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रास्ते के ऊपर जा रहे हैं और आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है कि किस तरह की चीज़ें हैं, तो गूगल मैप आपके जो कैमरा में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा और आपको बताएगा कि वो चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मॉल के पास खड़े हैं और वहाँ पे कोई दो या तीन शोरूम है, तो जैसे ही वो पिक्चर कैप्चर करेगा तो वो आपको बताएगा कि वो चीज़ है क्या। फॉर एग्जाम्पल, वो वुडलैंड का शोरूम हो सकता है या मैकडी का जो शॉप हो सकती है या कोई भी एक चीज़ हो सकती है, उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देगा कि वो क्या चीज़ है। गूगल मैप के अंदर जो काफ़ी ही न्यू और कूल फीचर इन्होंने ऐड किया, जो मुझे खुद काफ़ी अच्छा लगा, वो ये है कि आप इसके अंदर कुछ एनिमेटेड करेक्टर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लोमड़ी यहाँ पे डाल दी, तो वो लोमड़ी एक्चुअली आपका जो वे है वहाँ पे आपको बताएगी कि आपको इस वे में जाना है। ये एनिमेशन इन्होंने काफ़ी ही कूल जो है गूगल मैप के अंदर ऐड किया है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि VPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये GPS से काफ़ी अलग है। इसमें होता यह है कि ये आपके फ़ोन के कैमरा और आपके फ़ोन का जो सेंसर है उसका इस्तेमाल करके ये आपको बताता है कि आपकी इंडोर पोजिशनिंग है क्या। ये काफ़ी ही एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल जो है VR और AR टेक्नोलॉजी में हो रहा था, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है या फिर AR, जो कि जैसे पोकेमोन गेम जो है अगर आपने देखा हो, तो वो AR टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपकी कैमरा का इस्तेमाल होता है, साथ ही में कुछ एनिमेटेड करेक्टर वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले करते हैं। तो वहीं AR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो है कुछ एनिमेटेड करेक्टर जैसे लोमड़ी या डॉग, कोई भी अगर आप अपने गूगल मैप के ऊपर लॉन्च करते हैं तो वो आपको रास्ता दिखाने में आपकी मदद करते हैं। यही VPS टेक्नोलॉजी इन्होंने गूगल मैप के साथ साथ ये गूगल लेंस के अंदर भी इसी तरह की कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके तहत आपको फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल लेंस में कोई भी चीज़ें कैप्चर करते हैं, कोई फोटो कैप्चर कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो है उससे रिलेवेंट डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी VPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसी तरह की कूल और टैकी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।